अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अरूश। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी मैं बनाऊंगी टिंडियाँ गोश्त। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम टिंडियाँ ली हैं, इनकी मैंने स्किन उतार के इन्हें काट लिया और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया और इनको इस तरह से मैंने कट किया। ये देखें, 100 ग्राम मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। 2 मैंने टमाटर लिए थे फ्रीज़ किए हुए, उनको मैंने पीस लिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें बारीक काट लिया। 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगी इसमें अदरक पिसा हुआ। 7 से 8 मिर्चें सब्ज़ पिसी हुई हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरे का, और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला और सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी घी का। घी को मेल्ट होने देंगे हम। जी तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटी हुई प्याज। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आज की बनने वाली है टिंडिया गोश्त की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस की ये फेवरेट है। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है जी। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है हमारा प्याज फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसे हुए टमाटर, 7 ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी, इनको भी मिक्स करेंगे। और अब हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जी तो हमारे मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको ऊपर से कवर कर देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। जी तो 4 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, चेक करते हैं इसको। प्याज तकरीबन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन को, और चिकन को अब हमने अच्छे से भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए। जी तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई टिंडियाँ, इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ कि इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में पकेंगी और स्टीम में जैसे ये भुनती हैं, तो हम इनको कवर करके हल्की आंच पर ही पकाएंगे। पानी हमने इनमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना जी। तो 3 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी अच्छे से भून चुकी है, और ये देखें सब्ज़ी ने अपना ही पानी इसमें छोड़ दिया है, हमें और पानी ऐड करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे कवर कर देंगे गलने के लिए, और ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगी। तो मैंने अब इसको कवर कर दिया ऊपर से 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी हांडी को देखते हैं। ये देखें,
पानी तकरीबन इसका खुशक हो चुका है और सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से गल के, ये देखिए आपके सामने टूट चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत ज़ीरा, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी पिसा हुआ अदरक। मैं अदरक हमेशा अपनी हांडी में लास्ट में डालती हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और अदरक को मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और पकाऊँगी। अदरक लास्ट में डालने से हांडी का टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। आप भी मेरे इस मेथड को ज़रूर अपना के देखिएगा एक दफ़ा। ये तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे और भूनूंगी हल्की आंच पर। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं अदरक को भूनते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ सब्ज़ धनिया। जी तो इसे मैं मिक्स करूंगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म टिंडी गोश्त के सालन। बहुत ही ये टेस्टी बना और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप इसे रोटी के साथ खाएं गर्मा गर्म बना के, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ अपनी मेज़बान और उश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।